शुभ मंगलम। दसवीं की हिंदी की कक्षा में हिंदी के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? समय का सदुपयोग कर रहे हैं ना? तो फिर से हम लोग सूरदास के तीसरे पद का अवलोकन करें। तीसरे पद में उन्होंने क्या कहा है गोपियों के माध्यम से, हमारे हरि हारे लिखी लकड़ी। अब गोपियां उद्धव को कहती है, जो उद्धव ज्ञान का संदेश देने आए हैं, उनको क्या कहती हैं, कैसे कैसे उदाहरण देकर उद्धव को संतुष्ट करती हैं कि हम ज्ञान मार्गी नहीं हैं, हम योग का संदेश के लायक नहीं है, हमारे हरि यानी किसी और के हरि नहीं, ईश्वर नहीं है, कितना अपनत्व का भाव है, हमारे हैं। हारिल की लकड़ी, हारिल एक पक्षी होता है और जो अपने पंजों में लकड़ी दबाकर उड़ता है, जहां भी जाता है, जहां भी बैठता है उसी लकड़ी के सहारे बैठता है। यहाँ गोपियां भी कहती हैं कि हमारे हरि मेरे लिए, हमारे लिए वही श्री कृष्ण, वही हरि हारिल पक्षी की लकड़ी की तरह है। मन क्रम वचन नंद नंदन सो उर यह दृढ़ कड़ी पकड़ी। मैं सच्ची बात कहती हूँ, मन से, कर्म से, वचन से, नंद के नंदन के, हृदय को यानी अपने हृदय से उनके हृदय को अत्यंत ही जकड़कर हम लोगों ने पकड़ कर रखा है। क्या अलौकिक प्रेम है, आमुष्पिक प्रेम, गोपियों की प्रेम देखिए। जागत सोबत स्वप्न दिवस निसी कान्ह कान्ह चकरी। जागते हुए, सोते हुए, दिन में, रात में, हमेशा सतत सिर्फ और सिर्फ कान्ह, कान्हा का नाम लेकर के ही जगड़ करके बैठी है। प्रेम है सिर्फ आकर्षण नहीं, और कृष्ण से भला किसे प्रेम न हो जाए। कर्षति आकर्षति यह सह कृष्ण, अर्थात जो अपनी ओर आकर्षित करे, खींचे, वही तो कृष्ण है। तो उस कृष्ण के प्रति भला कोई कैसे नहीं आकर्षित हो। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यो करुई ककड़ी। जोग, योग शब्द सुनते ही ऐसा लगता है जैसे किसी ने करवी ककड़ी खाने को दे दिया और जिह्वा का स्वाद बदल गया। भला आप लोगों को करवी ककड़ी मिले खाने के लिए तो क्या खाइएगा? नहीं ना, तुरंत फेंक दीजिएगा। ठीक उसी तरह से गोपिकाओं ने भी कहा है कि योग का संदेश तो लगता है किसी ने कड़वी ककड़ी खिला दिया। सू तो व्याधि हम कौ ले आए, देखी सुनी न करी। बड़ा ही सुंदर प्रसंग है और बड़ी ही सुंदर पंक्ति है। क्या कहा गोपियों ने, योग को व्याधि कहा है, योग को रोग से तुलना की है। सू तो व्याधि यह रोग, योग रूपी रोग तुम हमें देने आ गए। आजकल देख लीजिए आपके समय में अभी कोरोना बीमारी कैसे फैली हुई है, विषाणु कैसे फैलकर विश्वव्यापी कोरोना का प्रभाव आपके सामने है। वही कह रही है, सू तो व्याधि वह रोग, योग का रोग हमें लगाने आ गए। देखी सुनी न करी, तुमने देखा सुना नहीं कि ये गोपिकाएं क्या योग के योग्य हैं? नहीं ना, और तुम हमें योग का संदेश देने आए। आते समय ही, हालांकि उद्धव को इसका आभास नहीं हुआ था, लेकिन चले मथुरा से जब कुछ दूर
वृंदावन नजर आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया, उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारे ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। और जब उद्धव ज्ञान का संदेश देने के लिए बैठते हैं, फिर साड़ी की साड़ी गोपिकाएं दार्शनिक है, निरुत्तर कर देती है, क्या कहती हैं? और राधा रानी, अभी तुम खुद नहीं समझे कि किसको योग कहते हैं, सुनो इस तोर योगी द्वैत में अद्वैत रहते हैं। सुना जब प्रेम का अद्वैत, उद्धव की खुली आंखें, पड़ी थी ज्ञान मद की धूल जिससे वह खुली आंखें, हुआ रोमांच तन विंद आंखों से निकल आया, गिरा श्री राधिका पद पर कहा गुरु मंत्र जप पाया। वही यहाँ पर देखिए, हम तो उसकी योग्य है ही नहीं, योग के योग्य नहीं है। यह तो सूरति नहीं सौंपो जिनके मन चकड़ी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि ये जो व्याधि मुझे लगाने आए हो, ये जो संदेश ज्ञान मुझे देने आए हो, ये तुम उसे ही दो। तुम्हारा ज्ञान उस व्यक्ति तक जाना चाहिए जिस व्यक्ति का मन चकड़ी जैसे डोलता रहता है, एक जगह स्थिर नहीं रहता है। हम लोगों का मन तो सिर्फ श्री कृष्ण में ही लगा है। सूरदास ने सुरसागर में ही कहा है, उद्धव मन नाही दस बीस, एक हुतो जो गयो श्याम संग को आराध इस। हमारे पास 10-20 मन तो है नहीं, एक मन है, और उस मन को श्री कृष्ण ले गए। अब दूसरा मन मैं कहाँ से लाऊं, दूसरा हृदय मैं कहाँ से लाऊं, जिसमें योग संदेश ग्रहण करने की क्षमता बढ़ाऊं। अब इसका कला पक्ष हम देखें। हा हा वर्ण की आवृत्ति आप देख रहे हैं ना, काव्य की छटा देखिए। हा हा वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास की छटा अनुपम हो गई है। मन क्रम वचन नंद नंदन सो नंद नंदन ओ, नंद नंदन में भी अनुप्रास अलंकार है। यह दृढ़ कड़ी पकड़ी, दृढ़ शब्द से देखिए, दृढ़ में एक विश्वास है, एक आशा है, कि एक संकल्प है जो कभी नहीं छूटने वाला है। जागत सोबत त त वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास है। स्वप्न दिवस निसी, दिवस और निसी में समास है, द्वंद्व समास। कान्ह कान्ह जकड़ी, कान्ह कान्ह में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यो करुई ककड़ी, दृश्य बिंब देखिए, पूरा का पूरा दृश्य बिंब ज्यो करुई ककड़ी में उत्प्रेक्षा अलंकार है। सूतो व्याधि, यहाँ तत्सम शब्द है। हम कौ ले आए देखी सुनी न करी, उपहास भी करती है और उपालम्ब भी देती है कि आपने मेरे मेरे हृदय को नहीं समझा, मेरी गति को नहीं समझा, मेरी प्रकृति को नहीं समझा और मुझे रोग लगाने आ गए। यह तो सुरती नहीं लय सौंपो जिनके मन चकड़ी, यहाँ चकड़ी में देखिए दृश्य बिंब। इस प्रकार सूरदास का विरह वर्णन अत्यंत ही मार्मिक है, मर्मस्थल को स्पर्श करता है, तो लगता है कि कोई भी व्यक्ति जब तक आराध्य को प्राप्त न कर ले चैन से कैसे रह सकता है। और गोपियां तो सामिप्य, कृष्ण के सामिप्य में थी,
सानिध्य में थी। सुनकर के जब हम लोगों के मन में इस तरह की जिज्ञासा उठती है तो साक्षात्कार गोपियों ने श्री कृष्ण का किया था, वो पार ब्रह्म परमेश्वर का, तो उस ईश्वर से, उस जगत नियंता से भला कौन ऐसे व्यक्ति हो सकता है जो प्रेम न करे, अछूता रहेगा। धन्यवाद।